मिसेस रस्तोगी, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, शी इज वेरी ब्रेव। अब खतरे की कोई बात नहीं है। तेरा लाख लाख शुक्र। मैं अपनी बच्ची को कब मिल सकती हूँ? देखिए, जब तक एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम सोनाक्षी को आइसोलेशन में ही रखेंगे। जब एंटीडोट बन जाएगा फिर सोनाक्षी को इंजेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि एंटीडोट अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन्फेक्शन अगर निगेटिव आ जाता है देन हम दूसरे पेशेंट्स पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और हाँ, ऑफकोर्स हम मिस्टर रोहित का भी ट्रीटमेंट करेंगे। निशी, मेरा रोहित बन जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। रोहित ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, भगवान का लाख लाख शुक्र, मेरी सोना बच गई। गरीबों को खाना खिलाना है। मैं करता हूँ जाके, अभी जा रहा हूँ। ओके पापा, थैंक गॉड। आपकी जीनियस दिमाग ने मैम को बचा लिया सर, और आपके प्यार ने भी। देखना चाहता हूँ सोना को एक बार। सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। नहीं, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। सर, मैम इस वक्त बेहोश है, आप तो उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बस देखना चाहता हूँ। किसी को मेरी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज, मैं तो ये चाहता भी नहीं कि सोना को पता चले मैं उधर आया था। तुम लोग नहीं समझोगे, मैं नहीं चाहता कि सोना को पता चले मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन होश में है उसके पहले एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्लीज, आई बेग यू, प्लीज। डॉक्टर माथुर, और कितनी देर लगेगी? रोहित की हालत बिगड़ती जा रही, हमारे पास वक्त नहीं है। सोनाक्षी की बॉडी से हमने बोन मैरो ले लिया है, और जैसे ही एंटीडोट तैयार होगा हम डॉक्टर रोहित की बॉडी में वो मिरेकल ड्रग इंजेक्ट कर देंगे और सब कुछ अच्छा होगा। डोंट वरी, लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिस बेटी को आपने अपने घर से बाहर निकाल फेंक दिया था, आज उसी बेटी ने आपके बेटे की जान बचाई है। उसके पैर पड़कर आप लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस एक्सपेरिमेंट के लिए और कोई राजी नहीं था, मेरी सोना ने हिम्मत दिखाई। आज मेरी बेटी ने रोहित को फिर से उसकी जिंदगी लौटाई है। मेरी बेटी है ही ऐसी, हमेशा से उसने सबकी खुशियों के लिए खुद ही तकलीफ झेली है। उसका ये किया कभी जाया नहीं जाएगा, आप देखना। आज के बाद उसके फैंस उसे और भी प्यार करेंगे। I love you 1 lakh times, I love you 1 crore times. अब इस इमोशनल फूल का दिल ना बदल जाए। भाभी, आपको सीरियसली लगता है कि सोनाक्षी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि क्योंकि वो बहुत अच्छी है और उसे रोहित से हमदर्दी है? नो भाभी, नो, ये सब ना एक पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ, उसे शो से निकाल दिया गया है, उसके पास काम नहीं है और वो दर दर भटक रही है काम के लिए। इसलिए ना अब ये सब करके वो लोगों की नजरों में फिर से महान बनना चाहती है। और ये रिस्क लेकर ना उसने अपनी जिंदगी को सही किया है, क्योंकि उसकी इमेज, उसका रुतबा वापस मिल जाएगा उसे, और ऊपर से गवर्नमेंट से उसे मेडल मिलेगा, पैसे मिलेंगे। भाभी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि रोहित जल्दी से ठीक हो जाए बस, और एक बार ये एक्सपेरिमेंट हो जाए ना, फिर वो चली जाए। उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, आई डोंट केयर भाभी। उस लड़की ने भाई के साथ जो किया ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती।
सर सिर्फ 10 मिनट प्लीज, किसी को भी पता नहीं है कि आप इस वक्त यहाँ है। निश में उनको पता चल जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में मुझे माफ मत करना, मैं लायक नहीं हूं। I just don't deserve you. कितनी तकलीफ दी मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली ने, सॉरी। ये मेरा भाई, ये माँ, ये कोई नहीं चाहता कि तुम यहां रहो, nobody. संभाल नहीं पाया मैं। पहली बार तुम्हें देखा तो तुम लेटी हुई थी बेहोश। तब मैं तुम्हारी मदद करने आया था और मेरी। इतनी आसानी से कैसे चले जाओगे तुम? हाँ अभी मेरा बदला, मेरी दुश्मनी बाकी है, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तुमसे। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार करने वाला। तुम्हें सेट पे देखा ठंड में भीगते हुए, नॉनस्टॉप काम कर रही थी, एक बार कंप्लेन नहीं किया तुमने। कैसे करती हूँ तुम्हारी इसी सादगी, खूबसूरती, डेडिकेशन से प्यार हो गया। कब लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी लगने लगी पता ही नहीं चला। और कुत्तों के लिए तुम्हारा प्यार। Are you okay? और ले बेचारा। कैसे भूल सकता हूँ? कुछ नहीं भूल सकता तुम्हारे बारे में। Nothing. तुमने तो अनजाने में भी रहमा की मदद कर दी, वो रहमा जिसके बाद मुझे लगता ही नहीं था कि दोबारा प्यार हो सकता है, लेकिन तुमने दोबारा प्यार में यकीन करना सिखाया। अगर एक बार दिल टूट जाए तो आप ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कोई फिर आपके जीवन में खुशियां ले आए और आपके सारे जख्मों को भर दे। Honestly, मुझे नहीं लगा था कि मैं रहमा के बाद किसी को भी आई लव यू कहूंगा। सोनम, आई लव यू। बट आई लव यू सोना, आई लव यू। मेरे लिए हमारा एक रिश्ता हमेशा इससे ऊपर है, वो रिश्ता है हमारी फ्रेंडशिप का। कैसी लगी? नहीं सोच रहा हूं कल से सर्जरी साड़ी पहन के करूं। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, पहली बार खरीदी है, कैसी है? हाँ, मैंने अपनी फैमिली के खातिर एक्टिंग करना शुरू किया था और आज मैं अपनी ही फैमिली के लिए एक्टिंग छोड़ना चाहती हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो ये सर्जरी सक्सेसफुली कर पाओगे। पता है क्यों? Because you're the best. You know, ज़्यादा टाइम नहीं बिताया हमने साथ में। We missed it. पर जितने भी महीने तुम्हारे साथ बिताए, ऐसा लगा एक पूरी जिंदगी जी लिया, फुल लाइफ टाइम ऑफ लव। भरोसा करना सिखाया, प्यार करना, रिश्ते संभालना, सब
आई मिस यू सोना, आई मिस यू।